पता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी। पर तुम अपने एक्स के साथ थी। हाँ, पर डूड, इसमें मेरी गलती नहीं है ना कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ। तुम इतने इनसिक्योर हो कि मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ता है। डोंट बी सच अ लूजर, इट्स नॉट अ बिग डील। टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक दो साल पहले तक मैंने ये टर्म सुना भी नहीं था, शायद आपने भी नहीं सुना होगा। प्यार में टॉक्सिक कैसे आ सकता है? और एक लड़की तो कभी टॉक्सिक हो ही नहीं सकती है। उसका ठेका तो हम लड़कों ने ही ले रखा है ना। और प्यार, प्यार तो हिम्मत देता है, प्यार इबादत है, प्यार पत्थर को भी पिघला सकता है। प्यार तो प्यार है, और कब कैसे किससे क्यों हो जाता है ना, उसका जवाब आज तक दुनिया का कोई साइंटिस्ट भी नहीं ढूंढ पाया है। मेरी प्यार की स्टोरी भी कुछ ऐसी है। प्यार के नाम पे मेरी जिंदगी में सिर्फ दो लड़कियां रही हैं, मेरी बिल्ली मिमी और मेरी बेस्ट फ्रेंड सिमी। जो लड़की कम और लड़का ज्यादा है। पर आज पहली बार समझ आया रोमांटिक वाला प्यार होता कैसे है। एक रेस्टोरेंट के बाहर वेट करते हुए एक लड़की से नजर मिली। और बस कुछ हो गया, जैसे हिंदी मूवीज में होता है। दिल धड़कने लगा, दिन में तारे दिखने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई पुराना रिश्ता हो, और शायद उसे भी ऐसा लगा। क्योंकि वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और कहा, आप बहुत क्यूट हो। थैंक यू। आप तो मुझसे ज्यादा क्यूट हो। हाय, मेरा नाम सैम है। हाय, आई एम साक्षी। आप मुंबई में रहते हैं? जी हाँ। और आप? मैं चंडीगढ़ से। पर प्यार में डिस्टेंस थोड़ी ना देखा जाता है। I can't get you out of my head. Neither can I. It was like magic. हम लोग सुबह शाम एक दूसरे से बातें करते। वो मुझे बिना गुड मॉर्निंग की उठती नहीं, और मैं बिना गुड नाइट किए सोता नहीं। इतनी सारी बातें करने के बाद भी हमारी बातें कभी खत्म ही नहीं होती थी। Meet my cat, Mimi. आज से तुम्हारी सिर्फ मैं हूँ। Okay, तुम और Mimi. नहीं, सिर्फ मैं। Okay, baby. She loved bond me. मुझे उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। मेरी पूरी लाइफ उसके फोन कॉल या मैसेज पर डिपेंडेंट थी। यहाँ तक कि मैंने अपने फ्रेंड से मिलना कम कर दिया था। और मेरी बेस्ट फ्रेंड सिमी, वो मुझसे बहुत नाराज थी। सैम, तू अभी तक मेरे बर्थडे पर पहुँचा क्यों नहीं है? पागल है क्या? यार, साक्षी ने कहा था वो फोन करेगी। पूरे दो घंटे हो गए उससे बात करे हुए। तो चल ना, रेस्टोरेंट में पहुंचता हूँ। तू मेरे बचपन का दोस्त है सैम। इसलिए तो कह रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड। अच्छा, तेरे केक कट करने से पहले पहुंच जाऊंगा मैं, प्रॉमिस। देख, तू जब तक नहीं आएगा ना, मैं केक नहीं काटने वाली हूँ। जल्दी आ, मैं वेट कर रही हूँ। अरे प्रॉमिस प्रॉमिस, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, साक्षी का कॉल आ रहा है, मैं करता हूँ तुझे कॉल। बाय 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 बाय। लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से हम बात तो बहुत करते थे, पर मिलना मिलना तो हो ही नहीं पा रहा था। वो हमेशा कहती, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस वीक पापा को हॉस्पिटल ले जाना है। ट्यूसडे को दोस्त का बर्थडे है, संडे को एग्जाम है। लॉन्ग डिस्टेंस में हमेशा बहुत मुश्किल होती है, लेकिन प्यार में पागल हर बेकार लड़के की तरह मुझे भी लगा कि वो इसकी क्या जिसमें कोई परेशानी ना हो। आखिर शिवा और पार्वती ने भी अपने प्यार को पाने के लिए बहुत तपस्या करी थी। पर सच तो ये है
ना ही मैं शिवा था और ना वो पार्वती। हमें 3 महीने हो गए बात करते हुए बेबी, हम कब मिल रहे हैं? डोंट यू मिस मी? सैम, तुम ना मुझे हमेशा ऐसा फील कराते हो जैसे मुझे ही नहीं मिलना है। मेरा भी मन है, पर तुम्हें पता है ना हमारे बीच में इतना सारा डिस्टेंस है। अरे बेबी सुनो, तुम काम छोड़ के तो नहीं आ सकती ना? और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं चंडीगढ़ टू मुंबई तुमसे मिलने हर महीने आ सकूं। और अगर ये बात तुम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते ना, तो इस रिलेशनशिप को अभी खत्म कर देना चाहिए। बेबी बेबी सुन, बेबी I'm so sorry, baby. मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे मिलना चाहती हो। I'm so sorry, baby. Please मान जाओ, please. मेरा और साक्षी का रिलेशनशिप बहुत सिंपल था। हमेशा गलती मेरी होती, मैं सॉरी बोल देता और वो मुझे माफ कर देती। I'm sorry, baby. गलती हो गई बेबी, अब जाने दो ना बेबी। नो रिप्लाई। I hate this feature. हमें क्या जरूरत है दिखाने की कि कोई ऑनलाइन है? अपने लवर का ऑनलाइन दिखना और उनका रिप्लाई नहीं देना सिर्फ एंजाइटी देता है। ये सोशल मीडिया बनाने वालों को कोई समझाए? Hello. I missed you, baby. I missed you too. I'm so sorry कल के लिए। कोई बात नहीं, तुम्हें गलत होने का हक है। Baby. अच्छा सुनो, अगर मैं तुम्हारी टिकट करा दूँ, फिर तो तुम आओगी ना मुंबई? Really? तुम मेरे लिए टिकट बुक करोगे? हाँ हाँ करा दूँगा। तुम सबसे बेस्ट हो बेबी। इसका मतलब तुम आ रही हो ना बेबी? तुम्हारा एयरपोर्ट के बाहर वेट कर रहा हूँ। अरे उसकी क्या जरूरत थी? मेरी एक फ्रेंड ने मुझे पिक कर लिया है, तो मुझे अपना एड्रेस भेज दो, मैं तुम्हें घर पे मिलती हूँ। What? Come on साक्षी, चलो, we are getting late. Have to go. बाद में फोन करती हूँ। हेलो बेबी, बेबी अगर मुझ में थोड़ी सी भी अक्कल होती तो ये मेरा क्लू होना चाहिए था साक्षी को छोड़ देने का। आखिर कौन सी गर्लफ्रेंड 3 महीने के बाद मिलने पर अपने बॉयफ्रेंड की जगह अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है? पर दिल, ये स्टुपिड दिल कहाँ ही कुछ समझता है। क्या मैं एक बेवकूफ लड़की की तरह उसका अपने घर पर वेट कर रहा था? उसका अपने घर पर बेबी कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा डिनर के लिए वेट कर रहा हूँ। स्टॉप बीइंग सो मेलोड्रामेटिक यार। साक्षी तुमने पी रखी है? अब मुंबई आके फ्रेंड से मिलूंगी तो पार्टी तो बनती है ना। तुम कहाँ हो? जस्ट कम आउट। ये मेरी बात चाबी लेके आना।
ये मेरा एक और क्लू हो सकता था, पर ये स्टूपिड दिल। सैम, विकास, ये सैम है मेरा फ्रेंड, और सैम ये विकास मेरा एक्स। चलो बेबी, सी यू। मैं फ्रेंड हूँ तुम्हारा और तुम अपने एक्स के साथ टाइम स्पेंड कर रही हो, क्या है साक्षी? क्या हो गया यार, विकास और मैं सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं, और वो ना मेरी फैमिली में सबको जानता है, और तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं तुम्हारे बारे में घर वालों को नहीं बता सकती, तो मैं तुम्हें क्या कहकर इंट्रोड्यूस करवाऊं यार, कम ऑन। और ना मेरे बीच में और विकास के बीच जो भी था ना वो खत्म हो चुका है, तो प्लीज तुम्हारे दिमाग में जो भी गन चल रही है ना उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर यही मैंने किया होता तो? कम ऑन बेबी, तुम्हारी तो पहले कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। चलो अब पार्टी करनी है, तुम्हारी कार कहाँ है? हाय, संभाल के। आज कितना मजा आया ना। ये सब तुमने मेरे लिए किया था बेबी? ओह सैम, यू आर द स्वीटेस्ट। Hi baby. Hi. मैं ना फटाफट से चेंज करके आती हूँ, विकास मेरा बाहर वेट कर रहा है। और ये चलता रहा, मैं हर बार साक्षी की टिकट करवाता और वो मुंबई आकर अपने फ्रेंड्स और अपने एक्स के साथ टाइम स्पेंड करती। बेबी सुनो ना, मुझे ना लेट हो रहा है तो मुझे बांद्रा से पिक कर लेना, ठीक है? I know, आप सोच रहे होंगे कि मेरी गलती है, इतना भी स्टूपिड कौन होता है? पर वो जो थोड़ा सा टाइम मेरे साथ स्पेंड करती, मुझे उसी में खुशी मिल जाती थी। पर अक्सर वो टाइम हम लड़ाई करने में ज्यादा बिता देते। तुम हमेशा ही लेट करवाना चाहते हो ना मुझे, जिससे मैं अपने फ्रेंड से ना मिल सकूं। बेबी मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था, तुमने ही कॉल लेट उठाया यार। तुम मुझ पे ब्लेम डाल रहे हो? यू नो व्हाट, जस्ट ड्रॉप मी हियर। अच्छा आई एम सॉरी, अगली बार से लेट नहीं होगा। नो, लीव मी हियर। बेबी मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रही हूं ना तुमसे। बेबी काम डाउन, जस्ट स्टॉप इट, स्टॉप द कार आई सेड। बेबी सुन, मेरी बात तो सुनो, हम बात कर सकते हैं इस बारे में। बेबी 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 लीव। हेलो, आई जस्ट कांट बिलीव यू लेफ्ट मी हियर। तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो? Don't even care about me. I hate you. मैं आ रहा हूँ, दो मिनट रुक जाओ, मैं कमी। अक्सर जब आपसे कोई लड़ाई कर कर वापस आ जाता है तो हमें लगता है प्यार करता होगा, इसलिए तो आ रहा है। लेकिन ये समझने में मुझे देर लगी कि वापस आना
और अपनी गलती मानकर चीजों को ठीक करने में फर्क होता है। मेरी फ्रेंड सिम्मी ने भी मुझे यही समझाया। सीरियसली सैम, तू जब से उस साक्षी को डेट कर रहा है ना, तू बहुत स्ट्रेस में रहता है। तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? सिम्मी तू नहीं समझ रही है। इट्स लाइक शी हैज टेकन ओवर मी। ऐसा लगता है मेरा उस पे कोई कर्जा है जो मुझे पूरा करना है। कर्जे है कि तूने डाल ली है। तू उसे 6 महीनों से लॉन्ग डिस्टेंस में डेट कर रहा है और तूने उसकी हर टिकट बुक करी है। उसके डिनर, उसके पार्टी, सब कुछ तू स्पॉन्सर करता है, वो भी अपनी सेविंग से। और तू ना उसे हर बार कोई ना कोई गिफ्ट भी देता है। मुझे एक बात बता, इन 6 महीनों में उसने तुझे कभी कोई गिफ्ट दिया? Did she even give you one single flower? सिमी यार कैसी बातें कर रही है तू? प्यार में पैसा वैसा कोई देखता है क्या? तू भी ना? प्यार में नहीं देखना चाहिए तो उसे भी नहीं देखना चाहिए। वो भी तुझसे प्यार करती है, तू उसे भी ये फिगर आउट करना चाहिए। चंडीगढ़ जब पार्टी करने जाती है दोस्तों के साथ तब उसके पास पैसे होते हैं। मनाली ट्रिप पर जाती है दोस्तों के साथ तब उसके पास पैसे होते हैं। लेकिन तुझसे मिलने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। सिमी मुझे पता नहीं क्या हो गया है। मैं चाहे उससे जितना भी गुस्सा हो लूं, पर सच तो ये है, जब मैं उसे हंसते हुए देखता हूं ना, आई फील बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। तू नहीं समझ रही है। आई कैन, इट्स कॉल्ड टॉक्सिक रिलेशनशिप। वो तेरे साथ टॉक्सिक बिहेव कर रही है और तू उसे प्यार किए जा रहा है, क्योंकि वो तेरी पहली गर्लफ्रेंड है ना? और तुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप खत्म हो गया ना तो तेरी दुनिया खत्म हो जाएगी। पर डूड, जब तक जिंदगी में से ना ये कचरा निकलेगा ही नहीं ना, तब तक किसी और की जगह कैसे बनेगी? यू नो देयर इज अ सेइंग, इट्स बेटर टू लूज अ लवर देन टू लव अ लूजर। अगर दोस्तों के समझाने पे हर बात समझ में आ जाती ना तो जिंदगी खराब ही नहीं होती। पर शायद हर बात समझने का भी एक टाइम होता है। हे डैड। क्या हुआ डैड, परेशान लग रहे हो? क्या डैड, कब हुआ एक्सीडेंट मिमी का? इज शी फाइन? मिमी, आई लॉस्ट माय फर्स्ट गर्ल दैट डे, मिम्मी। और ये बात मुझे सिर्फ एक इंसान से शेयर करनी थी, साक्षी। साक्षी और मेरी एक दिन पहले ही लड़ाई हुई थी, तो वो मेरा फोन नहीं उठा रही थी। आई फील लाइक डाइंग टुडे। मिम्मी यार तुम बहुत ही इमोशनल हो, इतना क्या हो गया? शी वाज जस्ट अ कैट। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर हूँ, आई कांट डू दिस राइट नाउ, कल बात करती हूँ। कहते हैं ना, इंसान की सही परख उसके बुरे वक्त में होती है, और ये मेरे लिए लास्ट लेसन था प्यार का सही मतलब समझने का। Me and Simi will always love you. उस दिन मुझे ये समझ में आया, कभी किसी को इतना कंफर्टेबल मत करो कि वो बिना सोचे समझे तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करे। प्यार में सिर्फ प्यार नहीं है, असली प्यार में इबादत है, शिद्दत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिस्पेक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में सिर्फ साक्षी नहीं थी, मैं भी था। प्यार में अपने आप को इतना खो दिया था कि
मैं ये भूल ही गया था कि मैं कौन हूँ। ये जानते हुए कि कोई प्यार के नाम पे तुम्हारे साथ इतना गलत कर रहा है, उस गलत को होने देना भी टॉक्सिक है। इसलिए मैंने तो डिसाइड कर लिया कि अपने साथ शुरू की हुई टॉक्सिक रिलेशनशिप को मैं खत्म करूंगा। क्योंकि प्यार अगर इबादत है तो पहले खुद से करो। रिलेशनशिप में रहने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं है। लव इज नॉट ऑल यू नीड। रिलेशनशिप टाइम मांगता है, इज्जत मांगता है, शिद्दत मांगता है। बी विद समवन हु डिजर्व्स यू एंड वी एट कंटेंट का कीड़ा डिजर्व टू बी लाइक्ड। सो प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।